एक तरफ बाबा का बच्चों के साथ सुकोमल निष्कपट मन था, तो दूसरी तरफ युवकों जैसा वज्रवत संकल्प। प्रेम में उन्होंने अपना तन मन धन सब तेरा कहे शिव बाबा को समर्पित कर दिया और उसे फिर जीवन के अंतिम श्वास तक पूरे प्रेम और समर्पण मेहता के साथ निभाया। ईश्वरीय सेवा में तन की समर्पणता का ऐसा बेमिसाल उदाहरण मानवता के इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता है। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बच्ची। बाबा, कहने आई थी कि दो तीन दिन से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप विश्राम कर लीजिए, क्लास मैं करा देंगी। अच्छा बच्ची। आज तक के जो भी पत्र हैं, बाबा आज ही उनका जवाब देगा। बाबा, पत्र तो बहुत हैं। हाँ बच्ची, बाबा आज सबको पत्र लिखेंगे। बाबा, 45 पत्र हो गए हैं, बस करो, आज तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा बच्ची, लच्छू जरा कुमारका को तो बुलाओ। जी बाबा। बाबा, आपने मुझे याद किया। हाँ चलो बच्ची, थोड़ा चक्कर लगा कर आते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने दादी कुमारका को सभी विभागों का अवलोकन कराते हुए यज्ञ की आंतरिक गतिविधियों की जानकारी दी। बाबा, आज आप रेस्ट करिए, हम आपकी याद प्यार सभी को दे देंगे। नहीं बच्ची, आज तो बाबा को खास याद प्यार देने क्लास में जाना है। बच्ची, आज जल्दी जल्दी घंटी बजवाओ, आज बाबा क्लास में जल्दी जाएंगे। तो क्या बच्चों को कितना लव चाहिए? बाबा। कौन सा बाबा? हमको विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, बिलविड मोस्ट बाबा। इनसे और कोई भी प्यारी चीज हो ही नहीं सकती है दुनिया में, क्योंकि आधा कल्प जिसको हमने याद किया हुआ है और ऐसे ही रहा है, तो बाबा आ करके हमारा ये दुख हर हो और हमको फिर से हमारा सुख दो। देखो, आत्मा को मिली हुई तो है ना चीज। तो बोलते अभी तुम जानते हो कि वो बाबा के हम बने हुए हैं
और बाबा कहते हैं तुम अपने कृष्ण व्यवहार में, ये बाबा बाबा जो सब तुम्हारा है रहना तो है नहीं, इस बाबा के पास नहीं आकर के सब रह सकते हैं। मैं नहीं कहते हैं देखो मैं देखता हूँ मैं ब्रह्मा तो विष्णु बनूंगा, फिर विष्णु के बाद चला जाना फिर ब्रह्मा बनूंगा, घड़ी घड़ी आपको याद देखता हूँ फाटी आ जाती है याद, अच्छा फिर बाबा आएगा फिर मुझे विष्णु बनाएगा, फिर हम आधा कल के बाद फिर राम आएगा, फिर मैं पति बनूंगा, फिर बाबा इसमें प्रवेश करेंगे, अभी मैं ये बनूंगा सामने देखता हूँ ये बनूंगा, तो तुम भी कहते हम भी विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। किसी न करना अच्छी होती है, अपेक्षाई का तो है ये समय, इस समय में सब खबरदारी रहनी चाहिए। चाय नीचे मीठे मीठे से कर लेते रूहानी बच्चों पे थे, रूहानी बाप और दादा का दिल जान से कहो तो इनसे याद तार गुड नाइट, मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते, लोगों कितना निम्रता प्यार निरंकार बाप का होते हैं। अच्छा बाबा छुट्टी ले आ